अपनी विचार शक्ति को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने के लिए प्रतिदिन लॉजिकली एक पजल सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक ग्रिड, चार रो, चार कॉलम, 16 हाउसेस और दिए गए हैं 16 डिजिट्स। करना क्या है, 16 अलग अलग डिजिट्स को इस ग्रिड में प्लेस करना है। किस तरह से प्लेस करना है, यदि किसी भी रो के चार डिजिट्स को हम जोड़ें तो सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल, और उसी तरह यदि हम किसी भी कॉलम के चार डिजिट्स को जोड़ें तो सम होना चाहिए 9 से डिविजिबल। डिजिट्स कौन कौन से दिए गए हैं, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 एंड 8। एक और 8 एक बार, 2, 4, 5 और 7 दो दो बार, और 3 और 6 तीन तीन बार। इस पजल को आप ट्रायल एंड एरर से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमें सोचना चाहिए सिस्टेमेटिक अप्रोच के बारे में। तो देखते हैं सिस्टेमेटिक अप्रोच। इस तरह की पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पॉसिबल टोटल निकालना चाहिए चार डिजिट्स का। उसके लिए क्या हम करेंगे, दिए गए डिजिट्स का सम निकालेंगे और करेंगे 4 से डिवाइड। दिए गए डिजिट्स का सम क्या होगा, 1 + 4 + 9 + 8 + 10 + 18 + 14 + 8, 72। 72 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 18। 18 एक पॉसिबल टोटल है, बट दूसरे टोटल भी हो सकते हैं। मुझे दो पॉसिबिलिटीज मिली, 18 + 18 + 18 + 18 इक्वल्स टू 72। 72 को मैंने किया 4 से डिवाइड। दूसरी पॉसिबिलिटी भी एक मिली, 9 + 18 + 18 + 27 इक्वल्स टू 72। इसका अर्थ है किसी भी रो के चार डिजिट्स या किसी भी कॉलम के चार डिजिट्स को हम जोड़ें तो सम हमें मिल सकता है 9, 18 और 27। अब चार डिजिट का यूज करके 9, 18 और 27 किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं देखेंगे, कॉम्बिनेशंस निकालेंगे। मैंने सबसे पहले कॉम्बिनेशंस निकाले 27 के, दो कॉम्बिनेशंस मिले, 8 + 7 + 7 + 5 एंड 8 + 7 + 6 + 6। 9 के दो कॉम्बिनेशंस मिले, 4 + 2 + 2 + 1 एंड 3 + 3 + 2 + 1। 18 के ज्यादा कॉम्बिनेशंस मिले, 18 के मुझे 13 कॉम्बिनेशंस मिले। आप 13 कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉम्बिनेशंस बनाने के तरीके हमने सीखे थे पजल्स की शुरुआत में। यदि आप शुरुआत की 50 पजल्स देखें तो उसमें बहुत बार कॉम्बिनेशंस बनाने के तरीके हमने डिस्कस किए हैं। मैंने कॉम्बिनेशन सिस्टमेटिकली बनाए, आप सिस्टम को देख सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशंस मिले उसमें मैंने 18 के चार कॉम्बिनेशंस इस तरह के लिए कि सारे डिजिट्स कवर हो जाएं। मुझे चार ऐसे कॉम्बिनेशंस मिले, 8, 4, 3, 3, दूसरा 7, 6, 4, 1, तीसरा 7, 6, 3, 2 और चौथा 6, 5, 5, 2। यदि इन चारों कॉम्बिनेशंस को हम रख दें ग्रिड में तो क्या होगा, रो के टोटल हमें 18 मिल जाएंगे। कॉलम के टोटल मिलेंगे कि नहीं चेक करना होगा। मैंने ग्रिड में नंबर रखे, आप देख सकते हैं रो के टोटल मिल गए 18, लेकिन कॉलम के टोटल जो चाहिए वो नहीं मिले। उदाहरण के लिए पहले कॉलम का टोटल मिला 8 + 7
प्लस 7 प्लस 6 28 9 से डिविजिबल नहीं है। अब यदि हम रो के डिजिट्स को इंटरचेंज करें तो रो का टोटल तो 18 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। रो के नंबर को इंटरचेंज करके हम कॉलम का टोटल बदल सकते हैं। मैंने थोड़ी ट्रायल एंड एरर की, पहले रो के टोटल को नहीं बदला, दूसरे रो में 6 और 7 को इंटरचेंज किया, तीसरे रो में 6 3 2 को इंटरचेंज किया, चौथे रो को फिर से नहीं बदला। अब हम देखते हैं पहले कॉलम का टोटल 27, दूसरे का 18, तीसरे का 18 और चौथे का 9, चारों टोटल 9 से डिविजिबल हैं। ये मेरा एक उत्तर हुआ। मुझे लगता है दूसरे आंसर्स भी संभव हैं। यदि आपने सॉल्व किया और आपको दूसरा कोई उत्तर मिला, प्रॉब्लम नहीं है, आपका उत्तर भी सही है। 9 की डिविजिबिलिटी का कंडीशन फुलफिल यदि होता है तो दूसरे उत्तर भी सही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप और उत्तर निकालें। इस तरह की पजल सॉल्व करने से आपकी संख्याओं पर पकड़ बढ़ेगी और साथ साथ एनालिटिकल थिंकिंग का तो विकास होगा ही। हमने टारगेट बनाया था 501 पजल का, अचीव किया, 501 से आगे बढ़ गए। इसी तरह विविध कुशलताओं का विकास करते हुए हम 601 पजल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।